लड़की ने जैसे ही अपने घर के कचरे को डस्टबिन बॉक्स में फेंका तो तभी यहाँ इस लड़की को एक फ्री का बॉक्स दिखा। जब इसने इस बॉक्स को टटोल कर देखा तो उसके अंदर से इस लड़की को एक बाबी डॉल मिली, जिसे देखकर लड़की बहुत खुश हुई और इस डॉल को अपने साथ लेकर अपने घर आ गई और अपनी बड़ी बहन से मिली। इस डॉल को अपने पीछे छुपाकर कर लड़की अपने बहन से कहने लगी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, जल्दी से तुम अपनी आंखें बंद करो। ये सुनते ही इसकी बहन ने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया और जब लड़की ने डॉल को सामने करके अपनी बहन से आंखें खुलवाई तो इसकी बहन डॉल को देखकर तुरंत बोली, ये कितनी घटिया और गंदी डॉल है और इसमें से कितनी बदबू आ रही है, मैं अपनी डॉल के साथ इस डॉल को बिल्कुल नहीं रखूंगी। मेरी डॉल्स को देखो, वो कितनी साफ सुथरी और बॉक्स में पैक है। ये डॉल तो बॉक्स में भी पैक नहीं है। मैं तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाना चाहती, लेकिन इस डॉल को उसकी असली जगह पर जाना होगा, इसलिए इसकी बड़ी बहन इस डॉल को कचरे के बॉक्स में फेंक कर यहाँ से चली जाती है। लेकिन इस औरत को क्या पता कि ये एक भूतिया डॉल है और ये भूतिया डॉल इस औरत से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए डस्टबिन से बाहर आ जाती है और शेल्स में सजी इस औरत की सभी डॉल्स को जमीन पर गिर देती है। और जब ये औरत यहाँ आकर अपनी सभी डॉल्स को जमीन पर बिखरा हुआ देखती है तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन तभी इस औरत को शेल्स में बैठी वही डॉल दिखाई दे जाती है जिसको इसने कचरे में फेंका था। जब ये औरत डॉल के नजदीक जाती है तो अचानक डॉल इस औरत के ऊपर अटैक कर देती है और इसकी गर्दन को काटकर बॉक्स में पैक कर देती है।